मैंने यहाँ पर 2 कप क्रीम ली है फुल फैट, 1 कप दूध, 1.5 कप मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है, 1 कप चेडर चीज़, 2 अंडे। और इस तरह का मोल्ड ले रहे हैं, आप प्लास्टिक कंटेनर भी ले सकते हैं जमाने के लिए। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन में मैं क्रीम ऐड करूंगी। और फिर इसमें दूध शामिल कर दूंगी और साथ ही 1.5 कप कंडेंस मिल्क भी इसमें डाल देंगे। और 2 अंडे भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे व्हिस्क की मदद से। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है, इसे उबालना नहीं है। बस जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसे हटा देंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। देखें, बस इसे हल्का सा गर्म होने दें। ये गर्म हो चुका है, अब मैं इसे किसी सेपरेट बाउल में निकाल लूँगी। अब बाउल में निकालने के बाद इसमें चेडर चीज़ शामिल करेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग अच्छे से करनी है। अब इसे कवर करके इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 3 घंटे के लिए। अब 3 घंटे बाद आप देखें, अब इसे 10 मिनट बीट करना है बहुत अच्छी तरीके से। 10 मिनट बीट करने के बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में निकाल लें। आप प्लास्टिक का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से रैप करके रख दें, ओवरनाइट इसे फ्रीज कर लें। ये देखें, मज़ेदार चीज़ आइसक्रीम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।